हेलो, सत श्री अकाल सारिआं नूं। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल ओनली जीके दे उपर। सो अपना ये पहला भी चैनल जो हैप्पी कंप्यूटर के नाम से चलता सी, सो उदो आप जो मास्टर केडर दियाँ आप वीडियो पाइया सगियां, तो उदो अपने को टाइम घट सी, फिर भी आप जो भी अपन 10-12 ज 8-10 वीडियो आई इंपोर्टेंट सी सारिया ही वीडियोज़, क्योंकि मैं देखा है कि 10 तो 12 क्वेश्चन अपनी वीडियोज़ आ चुके हैं। मास्टर केडर के 3 क्वेश्चन तो गुरुआ बारी आए आए हुए सन। सो आप गुरुआ वाला पार्ट सारा कवर किया जी, जैसे मैं ग्रुप के गुरुआ वाला पार्ट पा भी दिता है, क्योंकि गुरुआ के पार्ट के पंजाब के हरेक एग्जाम के गुरुआ का 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं गुरु जी बारे, सिख धर्म बारे। सो तुसी वो सारे ने वीडियोज़ देख लेनिया ने। सो एक आप कांग्रेस के सैशन किए थे, उस मैं थोड़ा कहा कि मास्टर केडर के एग्जाम के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी कांग्रेस के पहले प्रधान कौन बने सन। सो एग्जाम के आया हुआ सी। एक आप महात्मा गांधी का पढ़िया सी कि हिंद स्वराज की बुक की रचना किसने की सी, वो महात्मा गांधी जी ने की सी। ठीक है, कहने का मतलब आप इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन सके ज टॉपिक से आप उही कवर किए सी, तां जो हुण जो मैं देखा है कि पुराने एग्जाम के सूरजी परिवार सोलर सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो मैं सोचा कि पहला आप सूरजी परिवार या सोलर सिस्टम तो ही अपने टॉपिक जो अपने नवे ग्रुप बने ने, सो उस जो मैं पहला टॉपिक लैके आ रहा वो है अपना सूरजी परिवार। सो जो ग्रुप के अपने जिन्हें भी मैंबर ने, सो उन्होंने रिक्वेस्ट है भी जिन्हें भी अपने वीडियोज़ देख रहे हैं, सो अपना जो कापी लैके अपने नोट्स नाल तैयार करी जान, क्योंकि ये इन्हों तो बाहर कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता जो आप टॉपिक करवावे। उस टॉपिक के बच्चों कोई क्वेश्चन पंजाब के एग्जाम के कोई भी हो उस ही क्वेश्चन बनूंगा। ठीक है, सो जिन्हें भी वीडियो देखेंगे अपनी कापी पेन लैके बैठ जाओ तो आपके नोट्स बना लो। ठीक है जी, सो मैं शुरू कर जा रहा हाँ। सो अज का पहला टॉपिक है जो अपना सूरजी परिवार, जिसनों आप इंग्लिश के सोलर सिस्टम कहते हैं। सूरजी परिवार में 8 ग्रह हैं और एक सूरज है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन मैं थोड़ा क्वेश्चन भी दस्यो, क्वेश्चन की बनते हैं पंजाब के एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है अपने सूरजी परिवार के कुल किन्ने ग्रह ने, आ जाता 8 ग्रह, 9 ग्रह, 7 ग्रह, 5 ग्रह। ठीक है, सो आप 8 ग्रह से टैक लगाएंगे, क्यों पहला ये जो ग्रह से 9 सन। 2006 के अपना जोड़ा प्लूटो ग्रह से उसनों हटा दिता गया, तो अपने जो 8 ग्रह ही रह गए हैं। सो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी अपने सूरज परिवार में 8 ही ग्रह ने। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इन्हों केड़ा ग्रह नहीं है, अपन 3 ग्रह दिते होंगे नाल सूरज दिता होगा, तो जो अपना सूरज है ये ग्रह नहीं है। ठीक है, ये तुसी याद रखना सूरज अपना ग्रह नहीं है, अपने सूरजी परिवार में 8 ग्रह हैं, वो आप देख लेने किहड़े किहड़े ग्रह हैं। सूरजी परिवार में अपने बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, धरती ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, यूरेनस है, नैपच्यून है। ठीक है, सो आप देख लेने अंदरले ग्रह किहड़े ने, जां अपन इंटरनल ग्रह भी कह दिंदे हैं, जो अपने अंदर अंदरूनी ग्रह ने वो हैं बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, धरती ग्रह ते मंगल ग्रह। ये 4 ग्रह ने जो अंदरले ग्रह ने, बाहरी ग्रह बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस, नैपच्यून। ये मैं तां दस्सिया, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अपन कह दिता इन्हां विचों किहड़ा अंदरला ग्रह है, 3 अपन बाहरी ग्रह दिते होंगे, 1 अपन अंदरला ग्रह दिता होंगे। सो आप देखना होंगे कि इन्हां विचों किहड़ा अंदरला ग्रह है, तां करके मैं तुहानूं दस्सिया कि अंदरले ग्रह और बाहरी ग्रहों के बारे। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। सो आप ग्रहों के सब तो पहला आप गल कर जा रहे हैं सूरज की, जिहड़ा सूरज है वह सूरजी परिवार के बिल्कुल सेंटर के विचकार होंदा है, अते जो ग्रह है वह इसके आले दुआले चक्कर लगाते हैं। फोटो के भी तुम दस रहा सेंटर के सूरज है, तो आले दुआले जो अपने ग्रह ने चक्कर लगा रहे हैं। सूरज धरती के सब तो नेड़ला तारा है। जो सूरज है अपना वो हाइड्रोजन होंगी इस 71% और हीलियम होंगी 26.5% और होर एलीमेंट तत् जोड़े होंगे 2.5% तो मिल के बनया हुआ है जोड़ा सूरज अपना। सूरज में हाइड्रोजन हीलियम गैस मौजूद होंगी है, तो याद रखना यह क्वेश्चन आ जाता भी सूरज में किड़िया गैसा होंगे, सूरज में हाइड्रोजन हीलियम गैस मौजूद होंगी है। ठीक है जी, ये याद रखना है भी सूरज में 2 गैसा होंगे हाइड्रोजन हीलियम गैस। जो सूरज की रोशनी तर धरती तक 8.5 मिनट में पहुँचती है। ठीक है, तुसी ये याद रखना, यह क्वेश्चन आ जाता है सूरज की रोशनी धरती तक कदों पहुँचती है, तो जो सूरज की रोशनी है धरती तक 8.5 मिनट के पहुँचती है। ये तो सी सूरज के बारे, सूरज बारे मेन मेन गल्लां जो तुसी याद रखनी ने। एक तो है भी सूरज के 2 गैसों तो मिल के बनया है हाइड्रोजन हीलियम।
ठीक है जी। तो एक जी रोशनी हैगी है 8.5 मिनट पुजती है। सो जो आप पहले ग्रह की गल कर जा रहे हैं बुध ग्रह मरकरी ग्रह प्लैनेट जिन्होंने आप इंग्लिश मरकरी प्लैनेट कहते हैं पंजाबी बुध ग्रह कहते हैं। जोड़ा ये बुध ग्रह है ये सूरज के सब तो नेड़ला ग्रह है। ये तो याद रखना सूरज के सब तो नेड़ला ग्रह कि है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूरजी परिवार का सब तो छोटा ग्रह है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बुध जोड़ा अपना सूरजी परिवार का सब तो छोटा ग्रह कि है वह है बुध ग्रह। सूरज के नेड़े होने करके सब तो गर्म ग्रह है। जोड़ा ये सूरज के नेड़े ऑटोमैटिक ही पता जो चीज़ अपना सूरज के नेड़े होगी वो तो गर्म ऑटोमैटिक ही होगी तो यह गर्म ग्रह है। इस ग्रह पर पानी नहीं है अते इस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह भी इसका कोई अपना नहीं है ठीक है। ये तो याद रखने ये भी सूरज का सब तो नेड़ला ग्रह कि है वह बुध ग्रह है अते सूरज परिवार का सब तो छोटा ग्रह कि है वह भी की है बुध ग्रह है ठीक है जी। उस तो बाद आप करते हो शुक्र ग्रह जो मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रह है इसके पंजाब के एग्जाम के क्वेश्चन आता ही आता है ठीक है जी। शुक्र ग्रह धरती का सब तो नेड़ला ग्रह है ठीक है। सब तो जो धरती के नेड़े ग्रह कि है वह है शुक्र ग्रह। रात के आकाश में सब तो वह चमकीला ग्रह है इसनों आप चमकीला ग्रह भी कहते हैं ब्राइटनेस ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को ईवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब के एग्जाम में आ चुका है ईवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है वह है अपना शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ग्रह को कहा जाता है ईवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। शुक्र ग्रह को धरती की भैन भी कहा जाता है अर्थ ट्विंस भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। यह भी इंपोर्टेंट है भी तुम याद रखना किहड़े ग्रह को धरती की भैन कहा जाता है तो वह शुक्र ग्रह को धरती की भैन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो पूर्व तो पश्चिम वल घूमता है ये तुम याद रखना किहड़ा ग्रह पूर्व तो पश्चिम वल घूमता है वह है शुक्र ग्रह। इस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रह ये क्वेश्चन बनता ही होंगे भी चमकीला ग्रह कि है ईवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है धरती की भैन किस ग्रह को कहा जाता है तो याद रखने शुक्र ग्रह को ठीक है। इस तो बाद जो आ गया अपना ग्रह धरती ग्रह अर्थ प्लैनेट। धरती ग्रह अंदरूनी ग्रह सब तो वड्डा ग्रह है ठीक है। जो अपने अंदरूनी ग्रह ने अंदर ग्रह सब तो वड्डा ग्रह कि वह धरती ग्रह है। धरती ग्रह उपर पानी आक्सीजन मौजूद है तो करके इतने लोग रह सकते हैं। लोगों आप रहने लगी चाहिए होंगे पानी आक्सीजन वह धरती के उपर है ठीक है जी। इतने समुद्र पानी होने करके ही इस ग्रह पानी ग्रह और नीला ग्रह कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता भी नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है तो धरती ग्रह को जो नीला ग्रह कहा जाता है क्यों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आ चुका है एग्जाम के भी नीला ग्रह किसू कहा जाता है तो धरती ग्रह को तुम याद रखना नीला ग्रह कहा जाता है। चन्न धरती का उपग्रह है ये भी तुम याद रखना धरती का उपग्रह कि है चन्न है। चंद की रोशनी धरती तक 1.3 सैकंड पुजती है ये तुम याद रखना चंद की रोशनी 1.3 सैकंड पुजती है धरती तक। उस तो बाद जो है अपना आ गया मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे तो एक ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट आता भी किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका तो यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है लाल ग्रह किसू कहा जाता है मंगल ग्रह को। इस ग्रह के दो उपग्रह हैं फोबिस और डैमोस ठीक है। इसके दो उपग्रह हैं ये याद रखने हैं। उस तो बाद आ गया अपना बृहस्पति ग्रह जुपिटर प्लैनेट जिसनों कहते हैं। बृहस्पति ग्रह सूरजी परिवार का सब तो वड्डा ग्रह है। सब तो वड्डा ग्रह कि है अपना बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह उपर तापमान घट होने करके इसनों ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। इसनों की कहा जाता ठंडा ग्रह भी कहा जाता बृहस्पति ग्रह को ठंडा ग्रह कहा जाता है याद रखना। ये सब तो वध उपग्रह हैं किहड़े दे उपग्रह सब तो वध ने जुपिटर प्लैनेट दे बृहस्पति ग्रह के किन्ने सब तो ज़्यादा ने इसके तकरीबन 67 उपग्रह हैं। बृहस्पति का उपग्रह गनीमेदा ग्यानमीडा इंग्लिश ग्यानमीडा कहने आप सूरज ग्यानमीडा सूरजी परिवार का सब तो वड्डा उपग्रह है ठीक है। ग्यानमीडा सूरजी परिवार का सब तो वड्डा उपग्रह है ये तो याद रखना। उस तो बाद अपना आ गया शनि ग्रह। बृहस्पति ग्रह तो बाद शनि ग्रह सूरजी परिवार का सब तो वड्डा ग्रह है ठीक है। बृहस्पति तो बाद दूजे नंबर पर जो वड्डा ग्रह है वह अपना है शनि ग्रह। इस ग्रह के दुआले चक्कर रिंग बनी होंगी है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है किहड़े ग्रह के द्वारा रिंग बनी होंगी है
ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਿੰਗ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ। ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਟਾਈਟਨ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਟਾਈਟਨ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਰੇਨਸ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਰੇਨਸ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਰੇਨਸ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਹਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਂਗ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰੇਨਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨੈਪਚੂਨ ਗ੍ਰਹਿ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਪਚੂਨ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਕੀ ਵੇ, ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗਲੈਕਸੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਐਂਡਰੋਮੀਡਾ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡਰੋਮੀਡਾ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਮੀਡਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਆਰਿਆਭੱਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਉਹ ਆਰਿਆਭੱਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਿਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਨੇ ਜੋ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ ਬਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ 2 ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ, ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ MCQ ਪਾਏ ਸੀ 20 ਨੰਬਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੋਪਿਕ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ।